राज्यसभा सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वार पलटवार का दौर ऐसा जारी है कि विपक्ष और पक्ष कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें एक दूसरे पर निशाना न साधा जा सके। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती भी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी का एक बयान जोरों शोरों से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं हूँ, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी राहुल गांधी पर बुरी तरीके से भड़के। उन्होंने कहा कि सावरकर को समझने में राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते, तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए, दो बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है, शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। देखिए वीर सावरकर का तुलना राहुल गांधी कौन कहे, उनके पिताजी नहीं रहे, मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनकी दादी जी नहीं रहे, इंदिरा जी, उनके दादाजी को तो ये भूल ही गए हैं, फिरोज गांधी को, पूरे के पूरे कुनमा में ऐसा नहीं है कि सावरकर का पड़तर करे। जिस सावरकर ने सेलुलर जेल कभी जाकर के राहुल गांधी देखे तब सावरकर को समझेंगे, समझने में कई जन्म लगे। बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आपराधिक मानहानि के इस मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई है जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से लगातार बयानबाजी का दौर भी जारी है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आ रही है।